हेलो स्टूडेंट्स, क्लास ऑफ अचीवर्स में आपका स्वागत है। और आज हम सोल्व करेंगे, देखिए इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट बोलता है फाइंड रैशनल नंबर बिटवीन 1/7 and 1/5। तो इसके बीच में कितने रैशनल नंबर निकालने हैं, तो हम यहाँ पे कंडीशन लेते हैं हमें 5 रैशनल नंबर इसके बीच में निकालने हैं। तो देखिए, जैसे ये 1/7 है और ये 1/5 है, तो डिनोमिनेटर जो है इनका अलग अलग डिनोमिनेटर है। न्यूमिनेटर से कोई लेना देना नहीं है, बस डिनोमिनेटर देखना है। तो 7 और 5 का हम एलसीएम निकालेंगे। तो देखिए 5 से जाएगा ये तो नहीं कटेगा, लेकिन 5 बन जा 5 और ये 7 से, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आंसर 35। तो अब हमें करना ये है कि इसके डिनोमीटर को 7 को इतने से मल्टीप्लाई करना है कि आंसर आए 35। तो 5 से मल्टीप्लाई करा नीचे भी और ऊपर भी, तो ये आ गया 5/35। और इसको 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो आ जाएगा 7/35। अब जैसे कि यहाँ पे पूछ रखा था इनके बीच में 5 रैशनल नंबर निकालो, तो सिंपल चीज़ तो ये रहती कि भी इसमें 1 प्लस कर दो 6 आएगा, 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, इस तरह से भी कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि इसमें मेरे को लगता है देखिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, और यहाँ पर भी करना है तो उसी में आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 5 × 2 = 10 और 70, और ये आ जाएगा 14/70। तो इसमें आ जाएगा 10/11/70, 12 और 13, 14 and 15/70। अब जैसे मान लीजिए कि आपको ये क्वेश्चन पूछ रहा था कि भाई इनके बीच मतलब डिनोमिनेटर जो 35 ही रहना चाहिए, उसके बीच में रैशनल नंबर निकालिए। तो देखिए डिनोमिनेटर जब 35 था तो न्यूमिरेटर था हमारे पास 5, और दूसरे वाले में जब 35 नीचे डिनोमिनेटर में था तो न्यूमिरेटर में था 7। तो इनके बीच में कौन सा नंबर आ रहा है, तो 6, तो 6/35 क्योंकि डिनोमिनेटर तो लिखते ही हैं, तो ये खाली सिर्फ इसके बीच में रैशनल नंबर आ रहा है। तो इस तरह से भी हो जाएगा, और बाकी ये जो है ये भी हो जाएगा। तो मुझे लगता है आपको समझ आया होगा। अगर आपका अभी भी कोई डाउट होगा तो एक दो बार वीडियो को देखना, समझ आ जाएगा। किसी और क्वेश्चन में डाउट रहेगा तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। और बाकी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।